आइए 2 मिनट में आपको सिखाती हूँ क्यूट सा पांडा प्लांटर बनाना या फिर गमला बनाना। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी बहुत ही सस्ती मार्केट में मिल जाती है और मैं उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ताकि हमारा जो डो है वो सॉफ्ट बन के तैयार हो। और उसके बाद हमें कुछ इस तरह का अपना डो बना लेना है। आप इसमें मोड़ के देखिएगा, अगर एक भी स्क्रेचेस नहीं आ रहे इस तरह से तो समझ लीजिए आपका डो बनकर तैयार है। उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूंगी एक कॉटन के कपड़े में हल्का सा गीला करके। और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वेस्टेड जो कि दिवाली में दिए होते हैं, उससे मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्लांटर। सबसे पहले हमने जो डो बनाया है उसकी हमें लोई बना लेनी है और उस सीधे से ऐसे दिए को रख देना और उसे अच्छे से इस तरह से कुछ प्रेस कर देना है। और इसके बाद हम इसे उठा लेंगे और अगल बगल से इसे आराम से जो भी चीज होगा उसका सर्कल बना लेंगे और बिल्कुल अच्छे से उसको स्मूथ करते जाएंगे। आप देखते जाइए और कुछ कुछ गद्दियों की सहायता से ऐसे दबा देना है और पानी की हेल्प से हमें उसे हल्का हल्का सा स्मूथ करना है। और मैं छोटा सा यहाँ पे एक पेड़ा जैसे बनाया है उसका मैंने यहाँ पे बगल में अपने रख दिया है एक छोटा सा टिकाने के लिए फेविकोल, और उसके ऊपर मैंने इसको रखा अपने और इसका सर आराम से चिपक जाएगा उसमें। इतना करने के बाद हमें इसे 4-5 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देना है। अब आप देख सकते हैं मेरा पांडा सूख चुका है। अब मैंने एक और यहाँ पे एक पेस्ट बना लिया है, उस पेस्ट को लगा करके मैंने वॉल पुट्टी का ही है जो, और उसके ऊपर मैंने एक लेयर और चढ़ा दी है और कुछ इस तरह से मैंने इसका मोटा सा सर बनाया है। और देखते हैं मैं अब आइज बना रही हूँ। आपको दोनों हाथ से ऐसे अंगूठे से बस यहाँ पे ऐसे बिल्कुल आराम से प्रेस कर देना है जिससे इसमें हल्के से आंखों में गड्ढे से हो जाएंगे और कुछ इस तरह से हमें इनकी आंखों में गड्ढे से दिखने लगेंगे। और ये हमारा प्लांटर का जो फेस है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। और अब हम पांडा का कान बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा पेड़ा जैसे बनाया है और मैंने उसको हल्का सा प्रेस कर दिया है और नीचे से दबा दिया है उसमें चिपकाने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको भी बनाना है। और इसके बाद मैंने टिकाने के लिए पीछे रख दी है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, उसी में आपको सहारा देकर आराम से इसे चिपका देना। अभी मैं इसको वाटर से स्मूथ कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें बिल्कुल आराम से ऐसे ही स्टिक कर दूंगी। ये अपने आप बस आप इसी को इसी तरह रख दीजिए 4-5 घंटे के लिए, अपने आप ये इसमें चिपक जाएगा और बहुत ही प्यारे से इसके कान बनकर तैयार। पांडा की नाक बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी लोई लेकर उसको कुछ इस तरह से प्रेस करके नाक में इसके चिपका दिया है जिससे इसकी बहुत ही प्यारी सी नाक बन गई। और कुछ इस तरह से हमें पैर बनाने के लिए 2 लोई ले लेनी है और उन्हें गोल कर लेना है, उसके बाद चपटा कर लेना है। और इसके बाद हम इसके पैर यहाँ पर ऐसे बिल्कुल आराम से चिपका देंगे। देख सकते हैं मैं यहाँ चिपकाने के लिए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा थोड़ा सा घोल मिला लिया है वॉल पुट्टी का, उसी को लगा देती हूँ और चिपका देती हूँ। और मैंने यहाँ पर हाथ बनाने के लिए यहाँ पर 2 पीसेस काटे हैं और उसके पहले मैंने यहाँ पे जो घोल लिया था घोल को मैंने अंदर जो उसमें मैंने दिया लगाया है उसको भी कवर कर दिया और बहुत ही आराम से हाथ भी स्टिक कर दिए। अब कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे चाकू से यहाँ पर डिजाइन बना लेनी है इनकी फिंगर की, बहुत ही प्यार से ऐसे ही बना देना है, बिल्कुल इजिली हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। अब आप देख सकते हैं मेरा पांडा सूख चुका है। उसके बाद मैं अब इसमें काम कर रही हूँ। मैंने इसके पैर के लिए कुछ थोड़ी सी मैंने वॉल पुट्टी ली और मैंने उसको कुछ इस तरह से लगा दिया मैंने इसमें और दोनों के दोनों पैर बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 राउंड राउंड सी छोटी छोटी सी गोलियां बना ली हैं और नीचे के पैर बनाने के लिए मैंने 2 गोलियां चिपकाई हैं बड़ी बड़ी और 3-3 मैं दोनों पैरों में चिपका रही हूँ छोटी छोटी ताकि इसमें पंजे वाली डिजाइन आ जाए। और इसके बाद अब हम इन्हें सूखने के लिए रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। मेरा पांडा अब सूख कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, जो भी रगे से ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है उसमें मैं यूज करूंगी 320 नंबर रेगमॉल का और उससे मैं इसे पहले अच्छे से क्लीन कर लूंगी और जो भी इसमें रगेज निकलेगा उसे मैं डस्ट को अच्छे से इसे ब्रश से उड़ा दूंगी। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पांडा की आईज। सबसे पहले हमें पेंसिल से इसे अच्छे से बना लेनी है सारी की सारी डिजाइन ताकि हमें जब कलर करें तो कोई मिस्टेक ना हो। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ व्हाइट एक्रेलिक कलर का। पहले व्हाइट कलर से हम पूरे के पूरे पांडा में व्हाइट कलर कर देंगे सारा का सारा और उसके बाद फिर हम आगे की डिजाइन पेंट करेंगे। जो भी इसमें बीच में जो ये दिया दिख रहा है वहां पे भी हम व्हाइट कलर कर देंगे। मैंने कुछ इस तरह से पूरे में व्हाइट एक्रेलिक कलर किया है। अब मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। पांडा की आईज बहुत ही आराम से सावधानी से हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से बना देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से भी आपको भी ड्रॉ करना है। वीडियो के साथ साथ मैं आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ, इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियोज और डाले अपने वॉल पुट्टी की ड्राइंग से। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी और बहुत मेहनत से बना के तैयार किया पर किसी ने मेरा वीडियोज लाइक नहीं किया।
मुझे बहुत ज़्यादा सैड और डिमोलाइज फील हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाऊंगी, वीडियोस बनाना बंद कर दूं, पर कोई बात नहीं, बहुत सैड फील होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो, मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से बनाना सिखाया, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा लाइक करने पर मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरा पांडा कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर वार्निश यूज़ कर रही हूँ। ये वार्निश मैंने मार्केट से ली है और उसको मैंने इसमें लगा दिया है, और वार्निश करने के बाद बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ गई है पांडे पे, और मैंने उसमें सेंटर फ्रेश रख दिया है। आप चाहे तो कुछ भी रखें, बच्चों के लिए मैंने खास करके रखा है। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं मेरा जो पांडा है कितना ज़्यादा उसका फाइनल लुक बहुत ही क्यूट लग रहा है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, अदरवाइज मैंने सोच लिया है कि अब अगर ये वाला वीडियो में भी लोग लाइक नहीं ही करते हैं तो मैं अब YouTube पे वीडियोस बनाना बंद कर दूंगी। अब कोई बात नहीं, बहुत क्योंकि दुख होता है, बहुत मेहनत से कोई चीज करो और लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और मेरे वीडियो को देखा। अगर आपको भी ऐसा आर्ट बनाना हो तो आप देखते रहिए मेरा चैनल, मैं बहुत ही प्यारे प्यारे से ऐसी चीजें बना के डालती रहूंगी। और भी आप बहुत सारे वीडियोज देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर, मैंने बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें बताई हैं।